अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जो गतिरोध चल रहा था, विवाद चल रहा था, वो और बढ़ गया है। दरअसल सोमवार रात को गलवान घाटी क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक भारतीय सैन्य अधिकारी और दो जवान शहीद हो गए हैं। वहीं इस तरीके की भी रिपोर्टें आ रही हैं कि इस झड़प में 4 चीनी जवान भी मारे गए हैं। अब ये जो विवाद हो गया है, इसको सुलझाने के लिए वार्ताएं जारी हैं। सुबह 7:30 बजे से LAC पर भारत और चीन के जो सैन्य अधिकारी हैं उनकी बातचीत चल रही है। सैन्य स्तर पर मामला सुलझाने को लेकर प्रयास जारी हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी प्रयास जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक आपात बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में CDS बिपिन रावत भी शामिल हुए, तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। और इस बैठक में खास बात यह रही कि विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। गतिरोध को किस तरीके से जल्दी सुलझाया जा सकता है, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है, गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस घटना के बाद चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सामने आया है। बीजिंग ने उल्टे भारत पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत ऐसी स्थिति में एकतरफा कार्रवाई ना करे। भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। चीनी सैनिकों ने भारत द्वारा तय की गई LAC को पार कर लिया था और पेंगोंग झील गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5,000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा किया गया था। दोनों देशों की सेनाओं की ओर से लंबे वक्त से इस विवाद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे थे। 6 जून के बाद से कई राउंड की बात चल रही थी। CO से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के साथ बातचीत जारी थी, जिसके बाद दोनों देशों की सेना कुछ किलोमीटर तक पीछे हटी थी। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही थी, उसी दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये झड़प इस मायने में महत्वपूर्ण है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद यानी 70 के दशक के बाद से LAC पर तनाव की खबरें तो आती थी, लेकिन कोई भारतीय सेना का जवान शहीद नहीं हुआ था। अब करीब 50 साल बाद LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सेना के अधिकारी और दो जवान शहीद हो गए हैं। जहां तक गलवान घाटी की बात है, तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहीं पर साल 1962 के युद्ध में चीन ने भारत को धोखा दिया था। गलवान घाटी लद्दाख का क्षेत्र है, यहीं पर गलवान नदी भी बहती है। 1962 के युद्ध में भी गलवान घाटी में भारत चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। विवादित क्षेत्रों में टेंट लगाना पिछले कई वर्षों से चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की रणनीति का हिस्सा रहा है। 58 साल पहले इसी घाटी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। आज वहीं फिर से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल है। इस घाटी में नदी के पास टेंट लगाने को लेकर भारत और चीन सीमा पर गंभीर तनाव की स्थिति बन चुकी है, और भारतीय अफसर तथा दो जवानों की मौत के बाद सीमा पर तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको बातचीत से सुलझाने के प्रयास जारी हैं। फिलहाल अपने आप में ये महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 5 दशक बाद LAC पर यानी कि भारत चीन सीमा पर कोई इस तरीके की शहादत की खबर आई है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये। विवाद को कैसे सुलझाया जाए, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन चीन को एक बात इस विवाद से समझ आ जानी चाहिए कि चीन को बार बार बता दिया गया था कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जो किसी की हेकड़ी के आगे घुटने नहीं टेकता, बात बराबर की होती है। तो चीन को शायद इस विवाद से समझ आ जाना चाहिए सब कुछ। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इससे जुड़े और अपडेट्स के लिए हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।